वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव दीजिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जब अपने आप को वो क्राउन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की, और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत यंग थे, 32 इयर्स ओल्ड एज थी उनकी, और वो जो थे अपने जिस क्राउन प्रिंस की पोजीशन में आना चाहते थे उसके बाद उन्होंने किंग बनना था, तो उनको बहुत सारे जो सऊदीज जो रॉयल फैमिली थी उनको नाराज करना पड़ा। तो अब अगर डोमेस्टिकली आपके पास लेजिटिमेसी उस तरह ना हो, क्योंकि आप वो चेन ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो नहीं करके आप ऊपर आ रहे जिस तरह के माजी में सऊदी अरब में होता रहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की, और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की, और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खवातीन को एम्पावर करेंगे, उनको जॉब्स देंगे, वो रात को भी नौकरी कर सकती हैं, वो अपने महरम के बाद ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक अहम चीज़ है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है, और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मजाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारता है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मजाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको उसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे, और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मजाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के बुद्धिज्म के कर्मा रामायणा महाभारता धर्मा इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहाँ पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मजाहब हैं उनके बारे में भी चीज़ें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पे इंतहाई अथॉरिटेरियन
रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली बेचने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मजाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी इनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे और वो जितना ज्यादा दूसरे मजाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की, अब सऊदी अरब में भी जारी बात है वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के कमर चीमा को, पहली बार सुनकर आपको डेफिनेटली अपने कानों में उंगली डालकर सुनना पड़ा होगा कि यार ये बंदा बात कैसी कर रहा है, ये इतनी सीरियस होकर इतनी अच्छी बातें कैसे करने लगा। हालांकि सऊदी अरेबिया का जो कदम है इसको लेकर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसलमानों का अगर आपको असली रिएक्शन देखना है तो अभी कुछ दिनों से इस टॉपिक पर भारत के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों के जो मौलाना हैं या जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, उसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि सऊदी अरेबिया के लोग काफिर बन चुके हैं, दज्जाल बन चुके हैं, काफिरों के दोस्त बन चुके हैं। इस तरीके के कमेंट देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिसीजन है उससे कितना खुश हैं यहाँ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान। गाइज ये मतलब आप समझ सकते हो ये विज़न 2030 का जो यूएई का और सऊदी अरेबिया का जो प्लान है, मतलब एक लिबरल सेकुलर सऊदी अरेबिया बनाना, तो ये उनका प्लान है, उन्हें अपने देश को आगे कैसे चलाना है उस तरीके से वो सोच रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनकी ऑयल इकोनॉमी कितने दिन और चलेगी, उन्हें भी पता है सब चीज़ों का, इसलिए वो फ्यूचर का सोच के ये सब प्लान कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के तो मुसलमानों का रिएक्शन इसमें इतना डेंजरस है कि आप सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिखाया ही गया है काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, काफिरों के झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो, नहीं तो वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को कुछ गलत बोल देंगे। इस तरीके की चीज़ें सिखाई गई हैं, आप पहले ही काफिरों के खुदा को झूठा बोल रहे हो फिर झूठे खुदा को झूठा ना बोलो, इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाएंगी तो डेफिनेटली वो चीज़ें अनलर्न करना बहुत मुश्किल होगा, वो चीज़ें डाइजेस्ट, मतलब अगर ये सऊदी अरेबिया करेगा तो ये चीज़ें डेफिनेटली यहाँ के मुसलमानों से डाइजेस्ट नहीं होंगी। हो सकता है यहाँ के कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि देखो सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें करी जा रही हैं लेकिन भारत में ये चीज़ें नहीं हैं, भारत में ये नहीं, भारत में ये सब पहले से हैं, लोग ये चीज़ें करेंगे, बातें करेंगे। अभी आपको बता दूं सऊदी अरेबिया ने भारत को ऑक्सीजन भेजा तो यहाँ पर मुसलमान ऐसी बातें करने लगे कि देखो तुम्हारे अब्बा ने, हमारे अब्बा ने ऑक्सीजन भेजी है और ये साले अब कहाँ गए तुम मुसलमानों पर जुर्म करने वाले, इस तरीके की बातें, मतलब यार हद है यार। भारत ने 45 लाख वैक्सीन दी थी सऊदी अरेबिया को जब भारत में कोरोना कम था, भारत दुनिया की सब देशों की मदद कर रहा था जब भारत में वैक्सीन अवेलेबल थी बड़े अमाउंट में। अब तो पता है आपको अमेरिका ने रॉ मटेरियल रोक दिया था तो भारत में वैक्सीन बहुत कम बची थी, लेकिन फिर से चालू हो गया, बहुत जल्दी आप सबको वैक्सीन लगने वाली है, प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, बहुत ज़रूरी है ही। तो भारत ने सऊदी अरेबिया की पहले मदद की, फ्री में दी वैक्सीन उसको, फिर वैक्सीन पहुँचाई, उसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आया, उसने भी पलट कर मदद की, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं दोनों देशों के लिए। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें।